हेलो एवरी वन आई एम द टीचर टू दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू नाउ द क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया सो यहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक एक्सपेरिमेंट हमने डिस्क्राइब करना है जो कि उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे किया था तो चलिए देखते हैं अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट की सो so उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो स्ट्रेन यूज किए थे स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड रफ स्ट्रेन सो यहाँ पे चार केसेस थे इन फर्स्ट केस ही इंजेक्टेड स्मूथ स्ट्रेन विच वॉज लाइव इन टू अ माइस और जब इसने ऑब्जर्व किया कि माइस के अंदर स्मूथ स्ट्रेन जो कि लाइव था उसको जब माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया सो so, द माइस डाइज सो जो माइस था वो वहाँ पे मर जाता है सेकंड केस में आर स्ट्रेन को जो कि लाइव था उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया इस केस में क्या होता है जो माइस है वो सरवाइव कर जाता है रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से यहाँ पे माइस सरवाइव कर जाता है थर्ड केस है जब स्मूथ स्ट्रेन विच वॉज़ हीट किल्ड सो यहाँ पे स्मूथ स्ट्रेन यूज़ किया गया जो कि हीट किल्ड था और जब उसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे देखा गया कि माइस जो है वो सर्वाइव कर जाता है सो so, यहाँ पे तीन केसेस थे और फोर्थ केस में क्या था कि रफ स्ट्रेन विच वॉज़ लाइव प्लस स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया का स्मूथ स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था जब ये दोनों चीज़ें माइस के अंदर इंजेक्ट की गई तब वहाँ पे देखा गया कि माइस वहाँ पे माइस डाइस इसके इसमें माइस डाई डाई कर जाता है सो so, इस एक्सपेरिमेंट से ग्रिफिथ ने जो कंक्लूज़न निकाला सो so, कंक्लूजन क्या था ही कंक्लूडेड कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन जो रफ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है इज ट्रांसफॉर्म्ड जो रफ स्ट्रेन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है बाई हीट किल्ड स्मूद स्ट्रेन जो स्मूद स्ट्रेन था जो कि हीट किल्ड था वो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है ट्रांसफॉर्म बाय स्मूथ स्ट्रेन हीट किल्ड इनटू स्मूथ स्ट्रेन एस स्ट्रेन लाइव में सो so, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जाती है और यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन था ही डिस्कवर्ड दैट डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल। So, this was the experiment of Griffith, and that's all the explanation to this question. Thank you.